हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 के बारे में, जो कि बताता है डिसीजन ऑफ द बोर्ड, मतलब परिषद के विनिश्चय के बारे में बताता है। तो सेक्शन 10 का जो सब सेक्शन 1 है वो आपको ये चीज बताता है कि अगर सपोज करिए कि बोर्ड के पास कोई भी ऐसा केस आता है अपील के लिए, रिविजन के लिए आता है केस, उस केस में जो बोर्ड है वो क्या करेगा, एक बेंच आपका गठित करेगा, एक पीठ है उसका गठन करेगा, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा आपके मेंबर होंगे और वो उस केस पर, ये उसकी जो अपील है या रिवीजन है उस पर डिसाइड करेंगे, उसका डिसीजन लेंगे। डिसीजन जो है वो ऐसे डिसाइड किया जाएगा कि जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो हैं, तो जो भी उनकी ओपिनियन होगी, मतलब कि जो बेंच आपकी तैयार की जाएगी उसमें जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स हैं, जितने जितने ज्यादा लोग आपका उनकी ओपिनियन सेम होगी, मेजोरिटी को देखा जाएगा और वही डिसीजन आपका माना जाएगा मेजोरिटी का ही। और सबसेक्शन 2 ये बात करता है कि सपोज करिए कि अगर कोई भी आपका जो बेंच बनाई गई है उनका डिसीजन इक्वल रहा, मतलब कि जो ओपिनियन है, सपोज करिए जो बेंच में आपके चार मेंबर हुए, चार का दो के ओपिनियन एक सेम रही और दो की ओपिनियन सेम रही, तो उस केस में जो है कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो उस केस में ये होगा कि जो एक लार्ज जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी चेयरमैन के द्वारा, फिर वो उस केस पे जो है डिसाइड करेंगे और उसमें जो मेजोरिटी जो होगी, जो बेंच जो तैयार की जाएगी, तो उसमें जो जो मेजोरिटी मेंबर्स की जो राय होगी, जो ओपिनियन होगी, उसके अकॉर्डिंग ही वही आपका जो है डिसाइड किया जाएगा केस, वही डिसीजन आपका माना जाएगा। सबसेक्शन 3 में साथ साथ आपका ये चीज भी क्लियर कर दी गई है कि जो जो मेंबर हैं, चाहे वो अकेला हो या जो बेंच बनाई गई है या दो से ज्यादा बेंच बनाई गई है या फिर जो लार्ज बेंच बनाई गई है, तो लार्जर बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है उनके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी आपका डिसाइड किया जाएगा, वो ऐसे माना जाएगा जैसे कि वो बोर्ड का डिसीजन हो, तो बोर्ड का डिसीजन ही उसको माना जाएगा। बात करते हैं हम सेक्शन 11 की, तो सेक्शन 11 की अगर बात करें तो सेक्शन 11 आपका जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो यहां से सेक्शन 11 से रेवेन्यू ऑफिसर्स के स्टार्ट हो जाता है और ये सेक्शन 11 से लेके आपका सेक्शन 16 तक आपका जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनके बारे में बताया गया है। सेक्शन 11 में जो बताया गया है वो कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर के बारे में बताया गया है, तो इसको हिंदी में अगर बात करें आयुक्त और अपर आयुक्त कहा जाता है। तो 11 का सबसेक्शन 1 जो है वो बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है हर डिवीजन में, मतलब कि हर मंडल के अंदर एक कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा और उस डिवीजन के अंदर, उस मंडल के अंदर जिसमें अपॉइंट किया जा रहा है वो कमिश्नर, उसको जो भी पावर, जो भी शक्तियां दी जाएंगी या जो भी कार्य आपका, जो ड्यूटीज आपको दी जाएंगी, इम्पोज की जाएंगी उसके ऊपर, उस कमिश्नर को इस कोड के अंदर जो ड्यूटीज दी गई हैं, जो पावर्स जो दी गई हैं, तो वो सारी ड्यूटीज, वो सारी पावर जो है उस कमिश्नर को दी जाएंगी, या फिर इसके साथ साथ अगर किसी दूसरे कानून में, दूसरे लॉ में, दूसरे एक्ट में उसको, जो कि उस टाइम पर ऑलरेडी जो वो लॉ इन्फोर्स है, तो उसमें अगर कोई भी शक्तियां या कोई भी पावर्स, कोई भी ड्यूटीज उसको कमिश्नर को दी गई हैं, तो साथ साथ वो पावर, वो उन पावर का भी यूज करेगा, वो उस जो कार्य दिए गए हैं तो उन कार्यों को भी वो करेगा। ये जो कमिश्नर होगा उस डिवीजन के अंदर जितने भी आपके रिवेन्यू ऑफिसर्स होंगे, तो उन सभी रिवेन्यू ऑफिसर्स के ऊपर सबसे ऊपर कौन होगा, कमिश्नर होगा, और वो ही आपका ऑथराइज होगा, मतलब कि अथॉरिटी उनके ऊपर एक तरह से जो होगी सभी रिवेन्यू ऑफिसर्स के ऊपर उस डिवीजन के अंदर वो कमिश्नर होगी, तो इसलिए आप कह सकते हो कि कमिश्नर जो है सबसे ऊपर होगा एक मंडल के अंदर, एक डिवीजन के अंदर। सबसेक्शन 2 की बात करें तो सबसेक्शन 2 जो बताया गया है वो एडिशनल कमिश्नर्स के बारे में बताया गया है, तो इसमें ये कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट अब वो चाहे तो एक या एक से ज्यादा भी जो एडिशनल कमिश्नर्स है वो अपॉइंट कर सकती है एक डिवीजन के अंदर या फिर एक से ज्यादा डिवीजन के अंदर, तो एक मंडल के अंदर एक एडिशनल कमिश्नर भी हो सकता है या फिर एक से ज्यादा एडिशनल कमिश्नर्स भी हो सकते हैं। सबसेक्शन 3 में बताया गया है जो एडिशनल कमिश्नर होगा वो क्या करेगा, एडिशनल कमिश्नर जो कमिश्नर की जो भी ड्यूटीज हैं, जो भी पावर्स हैं, तो उन सब का यूज करेगा का, या फिर जो उनके कार्य हैं आपके कमिश्नर के, तो वो सारे कार्य जो है करे जाएंगे किसके द्वारा, एडिशनल कमिश्नर के द्वारा, या कोई भी कार्य करा जाएगा अगर स्टेट गवर्नमेंट कहता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर जो है, स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर पर जो है, जो एडिशनल कमिश्नर है, जो कमिश्नर की सारी पावर जो है, जो ड्यूटीज हैं, तो वो सारा एक्सरसाइज जो आपका कौन करेगा, एडिशनल कमिश्नर कर सकता है किसी केस के लिए या फिर क्लासेस ऑफ केस के लिए।
और सपोज करिए कि अगर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन ना दे उस केस में क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट अगर डायरेक्शन ना दे तो जो कमिश्नर अगर चाहे तो कमिश्नर जो है उसको डायरेक्ट कर सकता है, उसको डायरेक्शन दे सकता है, उसको ये ऑर्डर दे सकता है कि तुम मेरी एडिशनल कमिश्नर को कि आप जो है मेरी शक्तियों का मेरी ड्यूटीज का ये काम है ये आप कर सकते हो ये आप करोगे, तो वो कमिश्नर भी डायरेक्शन दे सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी डायरेक्शन दे सकती है और कमिश्नर भी डायरेक्शन दे सकता है एडिशनल कमिश्नर को। सबसेक्शन फोर में बताया गया है कि जो हमने सेक्शन आपका सबसेक्शन वन में पढ़ा था कि जो कमिश्नर है, कमिश्नर इस कोड के अंदर मतलब कि रिवेन्यू कोड के अंदर जो भी पावर ड्यूटीज दी गई हैं वो भी काम करेगा कमिश्नर, और साथ में अगर किसी और लॉ में अगर उसके कुछ पावर या ड्यूटीज दी गई हैं तो वो काम भी करेगा। तो इसी सेक्शन इसलिए सबसेक्शन फोर में ये चीज कहा गया है कि जब एडिशनल कमिश्नर को कमिश्नर की जो पावर्स हैं या फिर जो ड्यूटीज हैं वो दी जाएंगी इस सेक्शन के अंदर जो कि हमने सब सेक्शन थ्री में हमने बात करी थी, तो जब दी जाएंगी तो जो एडिशनल कमिश्नर है एडिशनल कमिश्नर के ऊपर भी वो सारी ड्यूटीज मतलब कि जो कमिश्नर की है वो भी अप्लाई होंगी, साथ में जो किसी और कानून में आपका कोई भी जो ड्यूटीज या पावर दी गई है कमिश्नर को तो वो सारी किसको आपका एडिशनल कमिश्नर को भी वो सारी पावर वो सारी ड्यूटीज जो है आपकी मिलेंगी। फिर आप कह सकते हो कि वो सारी पावर या ड्यूटीज का जो है वो यूज कर सकता है या उनका वो कार्य कर सकता है जब उसको एज ए मतलब कि कमिश्नर मतलब कि वो वर्क कर रहा है एडिशनल कमिश्नर। सबसेक्शन फाइव कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जब अपॉइंटमेंट करते समय या फिर अपॉइंटमेंट करते उसके बाद मतलब कि कभी भी किसी भी टाइम पर जो है जो एडिशनल कमिश्नर है उस एडिशनल कमिश्नर को एज ए एडिशनल कमिश्नर जुडिशियल जो है अपॉइंट कर सकती है, मतलब कि अपर अगर हिंदी में बात करें अपर आयुक्त न्यायिक, और जो एडिशनल कमिश्नर जुडिशियल होगा वो सिर्फ उसको जो अलॉट किया जाएगा वो जुडिशियल कार्य मतलब कि जो न्यायिक कार्य होगा वो ही सिर्फ उसको दिया जाएगा, और वो जो एडिशनल कमिश्नर जुडिशियल होगा वो जो कमिश्नर की सारी जो पावर है जो भी या उसकी जो ड्यूटीज हैं तो वो उस उन केसों में जो भी उसको केस सौंपा गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तो उन केसों में वो पावर कमिश्नर की और जो ड्यूटीज हैं वो सारी जो है वो आपका यूज कर सकता है, पावर का यूज कर सकता है, जो ड्यूटीज दी गई हैं तो उनको कर सकता है, ऐसा कर सकता है, या फिर कमिश्नर के द्वारा कमिश्नर चाहे तो कमिश्नर भी जो एडिशनल कमिश्नर जुडिशियल है उसको अपनी पावर दे सकता है डेलीगेट कर सकता है और जो ड्यूटीज हैं वो आपका जो उसकी जो ड्यूटीज हैं तो वो आपका वो भी कर सकता है एडिशनल कमिश्नर जुडिशियल किसके डायरेक्शन पर आपके कमिश्नर के डायरेक्शन पर भी। अब बात करते हैं सेक्शन 12 की, तो सेक्शन 12 जो आपको बताता है वो कलेक्टर के बारे में बताता है और एडिशनल कलेक्टर के बारे में बताता है। तो सेक्शन 12 का जो सबसेक्शन 1 है वो बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कलेक्टर जो है अपॉइंट किया जाएगा जो कि आपका रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज होगा, मतलब कि राजस्व प्रशासन जो है वो आपका किसके द्वारा देखा जाएगा, वो देखा जाएगा आपका कलेक्टर के द्वारा देखा जाएगा, और कलेक्टर के पास वो सारी पावर या जो उसकी जो ड्यूटीज होंगी वो सारी ड्यूटीज होंगी जो कि इस कोड के अंदर मतलब कि रिवेन्यू कोड के अंदर जो एक कलेक्टर को जो ड्यूटीज या फिर आप कह सकते हो जो पावर इम्पोज की जाती हैं तो वो सारी ड्यूटीज और पावर जो है इम्पोज की जाएंगी कलेक्टर को, या फिर और साथ में अगर किसी और दूसरे एक्ट में या फिर किसी और दूसरे कोड में आप कह सकते हो या फिर जो दूसरा लॉ कोई भी उस टाइम पर जो इन्फोर्स होगा तो उसमें जो भी एक कलेक्टर की पावर या ड्यूटीज होंगी तो वो सारी जो पावर ड्यूटीज भी आपका किसको दी जाएंगी वो उस कलेक्टर को दी जाएंगी और वही वो परफॉर्म करेगा। सबसेक्शन 2 की बात करें तो सबसेक्शन 12 का जो सबसेक्शन 2 है वो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर सकता है एक या एक से ज्यादा एडिशनल कलेक्टर अपॉइंट कर सकता है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि जो एडिशनल कलेक्टर है वो जो आपका मतलब कि जो किसके डायरेक्शन और कंट्रोल में आपका रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के या फिर जो कलेक्टर है उसके कंट्रोल में आपका या उसके डायरेक्शन मानेगा एडिशनल डायरेक्टर, और जो कलेक्टर की जो भी पावर जो ड्यूटीज हैं वो सारी जो है मतलब कि जो एक कलेक्टर को दी जाती हैं तो वो सारी ड्यूटीज या पावर उसके कलेक्टर के आप कह सकते हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर वो यूज कर सकता है उस पावर का, या फिर जो भी कार्य दिए गए हैं कलेक्टर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो एक कलेक्टर को दिए जाते हैं तो वो एडिशनल कलेक्टर जो है आप कलेक्टर जो है आपका कर सकता है। सेक्शन 4 है आपका, सब सेक्शन 4 यही कहता है कि इस कोड के अंदर मतलब रिवेन्यू कोड के अंदर जो एक कलेक्टर के पास जो भी पावर ड्यूटीज होती है या फिर किसी और
लॉ में जो कानून में जो उस टाइम पर इन्फोर्स होगा एक कलेक्टर पे अप्लाई होता है, तो उसके अंदर जो भी उसको पावर या ड्यूटीज आपके मिली होती हैं, तो वो सारी पावर वो सारी ड्यूटीज दोनों की मिलाकर इस कोर्ट की भी और दूसरे कोर्ट की, अगर दूसरे लॉ के आप ही हैं तो वो सारी पावर ड्यूटीज भी जो है किसको दी जाएंगी, एडिशनल कलेक्टर को दी जाएंगी जब वो आपका एक तरह से काम कर रहा होगा एज ए कलेक्टर के तौर पर काम कर रहा होगा वो, तो वो सारी पावर वो ड्यूटीज आपका जो इन पावर का यूज कर सकता है, वो कार्य जो जितने जो भी आपके ड्यूटीज होंगे उसके कर्तव्य होंगे, तो वो सारे एडिशनल कलेक्टर जो है उस पर भी अप्लाई होगा और वो सारे वो कार्य करेगा ऐसे कि जैसे कि वो अगर वो कलेक्टर होता, एडिशनल कलेक्टर जो है कलेक्टर होता उस डिस्ट्रिक्ट का, इस तरह से काम करेगा वो। और सब सेक्शन 5 जो है ये बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंटमेंट के टाइम पर या फिर अपॉइंटमेंट के बाद किसी भी टाइम पर एक एडिशनल कलेक्टर को एज ए एडिशनल कलेक्टर जुडिशियल आपका जो है अपॉइंट कर सकता है, और ये जो एडिशनल कलेक्टर जुडिशियल होगा उसको सिर्फ जो काम दिया जाएगा वो जुडिशियल बिजनेस दिया जाएगा, मतलब कि सिर्फ न्यायिक कार्य उसको दिया जाएगा, और वो जो जुडिशियल एडिशनल कलेक्टर जुडिशियल होगा वो आपका वो सारी पावर वो सारी ड्यूटीज जो एक कलेक्टर की होती है तो वो आपका यूज कर सकता है किसी केस में या क्लासेस ऑफ केस में स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहेगी जब, या फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती है जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है, मतलब कि जो उस डिस्ट्रिक्ट का उस जिले का जो आपका कलेक्टर है, तो वो डायरेक्शन दे सकता है, वो डायरेक्ट कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है उसको कि आप यूज कर सकते हो। इसके आगे के सेक्शन हम जो है दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर और इस वीडियो में